नमस्कार, रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। क्या मोदी 2.0 यानी कि मोदी द्वितीय, नरेंद्र मोदी का दूसरा शासनकाल आर्थिक तौर पर उतना प्रबल रहा जितना उसका प्रचार रहा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं कि तमाम एडवर्टाइजमेंट्स के इश्तेहार के माध्यम से ऐसा बताया जाता है या विश्वास दिलाया जाता है कि ये बहुत स्वर्णिम काल है, अमृत काल है अर्थव्यवस्था के लिए और भारत के लिए, क्योंकि हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, हम बहुत तेजी से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं और बड़ी बनते चले जाएंगे, हम कितने ट्रिलियन डॉलर के हो जाएंगे, ये सारी बातें बताई जाती है। उस पर अलग अलग राजनीतिक तर्क भी होते हैं, लेकिन आज जब हम इस विषय पर बात करेंगे तो हम राजनीति की बात नहीं करेंगे। आंकड़ों के और तथ्यों के आधार पर जो लोग इस सब्जेक्ट के डोमेन एक्सपर्ट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं, प्योरली ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, कि क्या ये जो पिछले 5 साल हैं ये आर्थिक रूप से उतने प्रबल थे जितना प्रबल इसका प्रचार था। सुभाष चंद्र गर्ग जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी। बहुत बहुत स्वागत सुभाष जी आपका द रेड माइक में। थैंक यू वेरी मच। प्रिया संकेत, प्लेजर टू बी विद यू। सुभाष जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि 2019 से लेकर के और 2023-24 तक के अब जो एडवांस एस्टिमेट्स भी आ गए हैं, इसको जब आप देखते हैं तो आप का असेसमेंट क्या होगा, इकोनॉमिक असेसमेंट? देखिए संकेत, जब भी हम इकोनॉमिक असेसमेंट या प्रोग्रेस की बात करते हैं तो कुछ आंकड़े हमारे सामने सबसे पहले आते हैं। उनमें से सबसे बड़ा आंकड़ा है कि भाई हम कितने ग्रो हुए, हमारी ग्रोथ क्या रही, जिसको हम लोग जीडीपी से मेजर करते हैं कि जीडीपी में कितनी ग्रोथ हुई। जीडीपी कोई ऐसी भारी टेक्निकल चीज़ नहीं है, जीडीपी एक तरह से हम सब की, पूरे देशवासियों की कलेक्टिव इनकम है कि हम सब मिलके कितना कमाते हैं, हमारी मिलके कुल मिला के आमदनी कितनी है, दैट इज जीडीपी। वही जीडीपी को हम खर्च करते हैं और उतना ही उत्पादन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो अगर आप इस दृष्टिकोण से देखें तो 2019 से 2024 जो 5 साल का समय है उसमें देश की जीडीपी 4.3% एंड मैं इसमें वो जो अभी 2023-24 के एडवांस आंकड़े आए हैं, अभी तो 2023-24 पूरा हुआ नहीं है, और जो थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हैं उनको शामिल करके बता रहा हूँ आपको कि उसकी ग्रोथ रेट जो है वो 4.3% सालाना रही है। 4.3% सालाना जो ग्रोथ है वो हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में 1991 के बाद, करीब 30-35 साल पहले जब से रिफॉर्म हुए, उससे पहले की व्यवस्था अलग थी, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो संदर्भ है, जो रेलेवेंस है, वो इस 35-34 साल के पीरियड का है, इसमें किसी भी सरकार की सबसे कम ग्रोथ रेट रही है, मतलब सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट। तो अगर लोएस्ट ग्रोथ रेट रही है जीडीपी की तो उसको स्वर्णिम काल या सबसे बड़ी और बहुत आर्थिक प्रबलता हो गई उसको हम नहीं कह सकते। दूसरा, अगर आप दृष्टिकोण से देखें तो एक हमारा इन्फ्लेशन के दृष्टिकोण से देखें कि भाई हमारी इन्फ्लेशन की क्या स्थिति रही। इन्फ्लेशन हम आजकल यहाँ इस देश में मेजर करते हैं हमारा रिटेल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन क्या है। सो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के हिसाब से सरकार का भी ये मानना है कि भाई देश में 4% औसतन इन्फ्लेशन रहना चाहिए, 4% से ज्यादा अगर होता है तो थोड़ी चिंता की बात है, और अगर 6% से ज्यादा चला जाए इस रेंज 2% प्लस माइनस की, जो 4% के साथ लगे हुए रेंज है, उससे अगर ज्यादा चला जाए तो फिर बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। इस 5 साल के पीरियड में कुछ समय इन्फ्लेशन 6% से भी ऊपर रहा और औसतन इन्फ्लेशन 5 साल का जो है वो 5% से ज्यादा रहेगा।
तो ये बहुत खराब स्थिति नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं है। अगर 4% या उसके आसपास रहता तो हमारी इन्फ्लेशन की स्थिति बेहतर होती। लास्ट चीज मैं आपको एक और बताता हूँ इसके बारे में। 2019 में प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने ये ऐलान किया था कि भाई हम 2024-25 तक $5 trillion के बराबर की इकोनॉमी बन जाएंगे। उस समय 2018-19 में हम लोगों, हमारी जो GDP थी वो $2.8 trillion के बराबर थी। तो हमें $2.2 trillion के बराबर का जो गैप है वो 5-6 साल में पूरा करना था। अभी स्थिति ये है कि हम 5 साल के बाद 3.6 trillion पे पहुंचे हैं, मात्र 800 billion या 0.8 trillion हमने 5 साल में कवर किया। अभी भी हमारे पास जो गैप है वो 1.4 trillion, ये अगले 1 या 2 साल में पूरा नहीं होगा। अब सरकार भी ये कहने लगी है कि 27-28 के आसपास जाके हम पूरा करेंगे। तो अगर आप जो आंकड़ा, जो अगर आपकी ग्रोथ अच्छी होती तो आप ये 5-6 साल में अचीव कर लेते, लेकिन वो आप 6 साल में अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर कोई कहे कि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही तो उचित नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में कुल मिला के दृष्टिकोण से ये सेकंड टर्म जो रहा है वो मेरे हिसाब से काफी कमजोर रहा। गर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसकी वजह आप क्या देखते हैं, क्योंकि मैं ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड अभी हमने किसी सरकारी नुमाइंदे से बात नहीं की, लेकिन जैसे ही करेंगे एक चीज तो मुझे पहले से ही मालूम है जो बोला जाएगा कि आप कोविड भूल गए, 2.5 साल तो कोविड खा गया जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ा। तो उसको कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इसके कम होने में, या ये कोविड के अलावा भी कुछ फैक्टर्स के बारे में दर्शा रहा है? तो संकेत ये आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसकी हकीकत के बारे में भी आपको कहूंगा, बट आप ये जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई कोविड के कारण से हमारी ग्रोथ कम रही, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी रही। जैसे ही आप अगर ये स्वीकार करने लगे कि ग्रोथ कमजोर रही तो फिर आप उसके कारण ढूंढ सकते हैं। उस कारण में एक कारण आप ये कि भाई कोविड जैसी महामारी हुई, 100 साल में एक बार होती है, तो उसके कारण से ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। अब आप उसकी हकीकत में जाइए, कोविड में तो कोविड के कारण से देश में कोविड अपने आप में इकोनॉमिक प्रोडक्शन को इफेक्ट नहीं करता। जैसे अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर हमारी उस पूरे समय में बिल्कुल अनअफेक्टेड है, ऊपर सही कह, क्योंकि एग्रीकल्चर को हमने एग्जेम्प्ट कर दिया लॉकडाउन वगैरह से। पहले बार जो लॉकडाउन वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी लगा था, गांव में भी लगा, लेकिन उस समय फसल कटाई की स्थिति में आ रही थी, तो सरकार ने बड़ा सेंसिबली एग्रीकल्चर को उससे एग्जेम्प्ट कर दिया। सो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि एग्रीकल्चर बिल्कुल अनअफेक्टेड रही कोविड से, और एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र जो है हमारा उसी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो अगर कोविड के कारण से आर्थिक स्थिति खराब होती तो ये एग्रीकल्चर और रूरल एरिया की आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा खराब होनी चाहिए, वो नहीं हुई। सो मेरी समझ के हिसाब से जो एक बड़ा कारण, और ये 2020-21 का साल था, उस 2020-21 के साल में हमारे देश ने तकरीबन 6% के आसपास की नेगेटिव ग्रोथ अचीव की। हम औसतन 6-7% पॉजिटिव ग्रोथ अचीव करते हैं, लेकिन उस साल में हमारी ग्रोथ जो थी वो तकरीबन 6% नेगेटिव रही। अब नेगेटिव ग्रोथ का कारण आप ये कह सकते हैं कि कोविड है एज एन एक्सक्यूज, बट जैसे मैंने अभी आपको एग्रीकल्चर के दृष्टांत से बताया, मेरी नजर में कोविड नहीं था कारण। मेरी नजर में जो हमने एक बड़ा ये जिसको मैं तो कहता हूँ इरेशनल डिसीजन,
एक ब्रह्मास्त्र को यूज करने के बराबर था कि हमने पूरा देश बंद कर दिया उस समय 2-3-4 महीने के लिए, और कहा कि आप कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, आप यहाँ से वहां नहीं जाएंगे, इससे ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद कर दिया। और उसके कारण से जो एक क्वार्टर, जो पहला क्वार्टर था 2021 का, उसमें देश की अर्थव्यवस्था को तकरीबन 25% नुकसान हुआ। और ये अगेन के अगर इससे अगर समझदारी की बात होती तो आप इस बात से देखिए कि जब सेकेंड वेव आई थी तो सेकेंड वेव बड़ी भारी वेव, ठीक है, पहली वेव के मुकाबले। और पहली वेव के टाइम में देश में मुश्किल से 500 कोविड के मरीज थे, 10-12 डेथ्स हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। और सेकेंड वाले में 5 लाख केसेस रोजाना होते थे, डेथ्स होती थी हजारों में, राइट। और उस समय आपने लॉकडाउन नहीं लगाया, विच वॉज ए गुड डिसीशन, राइट डिसीशन। तो 21-22 में हम पॉजिटिव ग्रोथ में रहे, अच्छी ग्रोथ में रहे, 9% पे की ग्रोथ अचीव कर पाए। तो मुझे, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि कोविड के कारण से देश की ग्रोथ कम हुई। देखिए, कोविड जैसी महामारी अगर होती जिसका बड़ा भारी असर होता तो उसको 2-3 चीजों में रिफ्लेक्ट होता। नंबर एक, देश की पॉपुलेशन घट जाती अगर इतने लोग उसके कारण से मरते, बिकॉज अल्टीमेटली डिमांड कहाँ से आती है? डिमांड लोगों से आती है, ठीक है। तो लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई, हमारी पॉपुलेशन दर अभी भी हम दुनिया के सबसे बड़े, और किसी चीज में बने ना बने लेकिन जनसंख्या में दुनिया के सबसे बड़े देश बन गए। दूसरा, आप अगर एक्सपोर्ट्स के, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखें तो 2021, आपको आश्चर्य होगा अगर आपकी जानकारी में ये नहीं है कि हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI इस सरकार के पीरियड, 5 साल के पीरियड में सबसे ज्यादा FDI 2021 में आया। 2021 के बाद तो एक्चुअली FDI घटता चला जा। 21-22 में हमारा एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा था, उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट भी थोड़ा गिरने लग गया, राइट। सो इसको हमें एक्सक्यूज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि हम कोविड, रियल ग्रोथ कम रही और कोविड उसका कारण नहीं था। मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण था कि वो जो एक बड़ा गलत डिसीजन लिया, इतने लंबे समय तक हमने लॉकडाउन बना के रखा देश में, वो सर। लेकिन देखिए, क्योंकि कोविड था और उस चक्कर में हिंदुस्तान अकेला मुल्क नहीं था जहां पर इस तरीके का लॉकडाउन लगा, हमने और जगहों पर भी देखा, और देशों में भी। हम लोग थोड़ा सा अज्ञानता थी हर किसी को, पूरे विश्व को, कि कोविड से कैसे निपटें। आप चाइना का अगर उदाहरण देखें तो वहां तो जरा जरा सी चीजों पर पूरे पूरे शहर बंद हो जा रहे थे, तो उसके मुकाबले हमने एक ही चरण में किया, उन्होंने कई बार किया। हमने यही चीज US में भी कुछ हद तक होती देखी, UK में भी देखी, और जगहों पर भी। लॉकडाउन बिकेम नॉर्म। ऐसे में आपको लगता है कि उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, जब हमें इतना ज्ञान नहीं था, तो ये फैसला शायद द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था। फिर दूसरी बार जब आइडिया हो गया तो फिर कम तीव्रता वाले लॉकडाउन लगे। आपको याद होगा कि हमने लॉकडाउन शुरू किया था मार्च के आखिर में, आखिरी सप्ताह में जी, और ये कोविड आया था दिसंबर 2020 में, चाइना से शुरू हुआ था जी। और फिर ये कई और देशों में, साउथ कोरिया में, ईरान में, इटली में जनवरी फरवरी में फैल गया था। एक्चुअली हमारे यहाँ तो आखिर में आया था कोविड। उस समय तक हमें दुनिया का 2-3-4 बड़े देशों का भी अनुभव हमारे सामने था, जबकि उनके पास नहीं था। तो चाइना का आपने बात कही, तो चाइना में उन्होंने पूरा देश नहीं बंद किया कभी। उन्होंने वो सिलेक्ट की कि किन सिटीज में सबसे ज्यादा असर है, वो पूरी की पूरी सिटी बंद कर दी। और जो अंडरस्टैंडेबल है कि अगर एक सिटी में फैल गया है तो आप उस सिटी को बंद कर दीजिए ताकि उसका जो असर है दूसरी जगह ना पहुंचे। कोरिया ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ट्रेस करना शुरू किया सबको कि कहां से शुरुआत होती है, और बड़ा अच्छा सिस्टम उन्होंने डेवलप करके जिस पॉइंट पे जहां से शुरुआत हुई उसको पकड़ना शुरू किया, और उन्होंने 4-6 महीने में उसको, उन्होंने पूरा देश को लॉकडाउन नहीं किया, राइट।
कुछ कंट्रीज तो ऐसी थी, जैसे यूएस में भी पूरा लॉकडाउन नहीं हुआ, ब्राजील वगैरह तो दूसरी तरफ गए थे बिल्कुल में, कि उन्होंने देखा हम तो लॉकडाउन करेंगे नहीं उस समय। मैं इस बात से सहमत हूँ कि दुनिया का अनुभव हमारे पास था लेकिन कम था, तो ऐसे में हम निर्णय ले सकते, निर्णय में लेने में गलती कर सकते, और हमने गलती की। दैट इज व्हाट वी शुड एक्सेप्ट, कि हमने जो ये डिसीजन लिया कि हमारे, अगर आप बयान सरकार के देखें तो उस समय के बयानों में ये आता था, उनको ये समझ में आई थी उस समय कि अगर आप पूरा देश 3 हफ्ते बंद कर देंगे तो ये कोविड अपने आप खत्म हो जाएगा। ये बड़ी गलत अंडरस्टैंडिंग थी, और इसके कारण से हमने ये लॉकडाउन और भी लोगों ने लगाया, और भी कंट्रीज ने लगाया, बट ये आंकड़े उपलब्ध हैं सारी दुनिया के कंपेयर किए हुए कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट, सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड अगर लॉकडाउन था तो वो हिंदुस्तान में था। तो ये इसको आप जेन्युइनली स्वीकार कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हमारी उस समय एरर हुई, लेकिन आप हाँ, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारा कोविड मैनेजमेंट, वैक्सीन मैनेजमेंट दुनिया में सबसे बेहतर था, राइट? तो आप एक ही चीज को, जिसके इल कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उसी को अपनी बड़ाई के रूप में भी अगर इस्तेमाल करें तो काफी कॉन्ट्रडिक्शन। सुभाष जी, सुभाष जी, आपने दो तीन चीजें उनका जिक्र किया। एक तो आपने जीडीपी के बारे में बताया, उसके बाद आपने कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में बताया। मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं कि फिर सरकार किस बात का बखान कर रही है, क्योंकि आप अगर किसी किसी भी इंडेक्स को देख लें या कोई भी बातचीत देख लें, तो उसमें ये प्रस्तुत किया जाता है कि देखिए कितनी रोबस्ट इकोनॉमी, वी हैव बाउंस बैक, हम लोग कितने प्रबल हैं, हम लोग शाइनिंग सेक्टर हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप ये बताते हैं कि ये सबसे पुअर परफॉर्मेंस है और कोविड बहाना नहीं लिया जा सकता, तो फिर ये प्रचार किस बात का? देखिए, जो सबसे बड़ा आंकड़ा सरकार पेश करती है वो ये पेश करती है कि हम 3 साल से 7% प्लस पे ग्रो कर रहे हैं, राइट? 2021 में, 22 में 9% के आसपास, पिछले साल 7.75% के आसपास, इस बार भी 7% से ऊपर। और दुनिया के वो जो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए वो ये साथ में कहते हैं कि दुनिया के जो विकसित देश हैं, अमेरिका, यूरोप, चाइना, ना, ये 7% से पिछले 3 साल में नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए हम बेहतर कर रहे हैं, राइट? दूसरा एक आंकड़ा और इस्तेमाल किया जाता है कि हमने करीबन 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है पिछले 10 साल में। ये दो प्रमुख आंकड़े इस्तेमाल करते हैं, बाद बीच बीच में और भी चीजें कह देते हैं कि भाई स्टार्टअप हमारा बहुत बड़ा सिस्टम बन गया, FDI हमारी बहुत अच्छी आ रही है, हमारा इन्फ्लेशन मैनेजमेंट बेहतर रहा। तो आप अगर चाहें तो हमें हर एक चीज को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो दो मुख्य चीजें इस्तेमाल करते हैं कि विकसित राष्ट्रों की ग्रोथ रेट जो 2-3% ही है, उसके मुकाबले हमारा 7% बहुत ज्यादा और बहुत बेहतर है, ये और ये इस बात का सबूत है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट? और दूसरा हमारा पावर्टी मैनेजमेंट, के हमने पावर्टी रिडक्शन। अब उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा, अब आप ये विकसित राष्ट्रों की ग्रोथ देखिए। सो ग्रोथ विकसित राष्ट्रों की, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, ये ग्रोथ किस लिए होती है? ये ग्रोथ इसलिए होती है कि एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही होती है, क्योंकि जितने ज्यादा नए आदमी हैं उतना ही आपको एक्स्ट्रा खाना चाहिएगा, उतना ही आपको रहने के लिए मकान चाहिएंगे, आपको कपड़ा वपड़ा सब चीजें चाहिए होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के भी साधन बढ़ाने होंगे, एजुकेशन के साधन भी बढ़ाने होते हैं। लेकिन अगर कोई राष्ट्र इतने विकसित हो जाए कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घटने लगे, तो वो राष्ट्र ग्रो नहीं करते हैं उसके बाद। ग्रो वो करते हैं जो गरीब हैं, जहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जहां पे डिमांड बनेगी, राइट? वहां पे ग्रोथ करते हैं। तो हमें एक्चुअली
ये अमेरिका और यूरोप की ग्रोथ से कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, वो बिल्कुल गलत कंपैरिजन है। वो 60,000 डॉलर की आमदनी के देश हैं, हम 2,500 पौने 3,000 डॉलर की आमदनी के देश हैं। वहां पे पॉपुलेशन अब घटने लगी है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है, तो उसकी वो दोनों कंपेयर नहीं है। अब आपको आजकल में आपने पढ़ा होगा कि अभी जर्मनी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश बन गया, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ बहुत कहते हैं कि भाई हम हमारे तीसरे नाम में हम दुनिया तीसरे सबसे बड़े जीडीपी वाला देश बन जाएंगे, ठीक है, बन जाएंगे शायद, मोस्ट लाइकली 29, 30, 31 के आसपास, बट आप जर्मनी तीसरा बन गया दुनिया का सबसे बड़ा देश, तो आपका देख रहे हैं कि जर्मनी में बड़ा सोड़ो जश्न मन रहा है, या बड़ी ये बात हो रही है कि भाई देखिए हम थर्ड लार्जेस्ट बन गए। और अगर और आप उसकी हकीकत में जाएंगे आज, तो जर्मनी ने किसको रिप्लेस किया है, जर्मनी ने जापान को पीछे छोड़ा है। पिछले साल 2023 है, वहां दुनिया एक्चुअली कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलती है, सो 2023 में जापान की पॉजिटिव ग्रोथ थी 2% के आसपास, और जर्मनी की नेगेटिव ग्रोथ थी 0.25% के आसपास। उसके बावजूद भी जर्मनी जापान से आगे निकल गए। क्यों आगे निकल ये गए? कैसे आपने हुआ? उसे हाँ जापान का जो करेंसी है वो येन, वो डॉलर के मुकाबले ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया, और जर्मनी का कम हुआ या ना हुआ? नहीं हुआ। तो चूंकि जब हम डॉलर दुनिया की जीडीपी को डॉलर में नापते हैं, तो आपकी करेंसी का डॉलर के हिसाब किताब से कैसे चल रहा है उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है, राइट। तो ये सब चीजों को अगर हमें देखना चाहिए, हकीकत बतानी चाहिए, हमें किससे कंपैरिजन करना चाहिए, हमें कंपैरिजन करना चाहिए। मैंने एक लेख लिखा था कि हाँ हमें हमारी कंपैरिजन किससे होनी चाहिए, वो छोड़ दीजिए कि भाई पर कैपिटा में तो हम बहुत पीछे हैं, हाँ 120 120वां नंबर है हमारा, 3, 4, 5 तो छोड़िए, हम 70, 80 में भी कभी आ पाएंगे ये भी संभव नहीं लगता। आज दुनिया में 87 कंट्रीज जो हैं उनको हम हाई इनकम इकोनॉमी में क्लासिफाई करते हैं। हाई इनकम इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन कट ऑफ है 14,000 डॉलर, हमें 2,500 पौने 3,000 डॉलर पे, 14,000 हम उनके बीच में, हमारा डिफरेंस जो है वो 5-6 गुना से ज्यादा है। तो जो कंट्रीज अभी 87 कंट्री तो हमसे इतनी दूर पर कैपिटा इनकम में आगे हैं, हम कभी भी उन तक, और जब तक हम आगे थोड़े बढ़ेंगे और 10, 20, 50 कंट्रीज हमसे आगे रह जाएंगे, हम 120 से कभी 100 भी पहुंच पाएंगे वो मुश्किल है, बट आप उसको पर कैपिटा को मत दीजिए। आपका कंपैरिजन किससे है? मेरे हिसाब से हमारा कंपैरिजन, मैंने एक 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 सबसेट निकालने की कोशिश की कि एक क्राइटेरिया ले लीजिए कि भाई थोड़ी सी रीजनेबल साइज की इकोनॉमी हो जिसमें पॉपुलेशन तकरीबन 100 मिलियन हो और 10 मिलियन हो और उसकी जीडीपी 100 मिलियन हो, ये छोटा साइज है लेकिन फिर भी रीजनेबल साइज है। ऐसी दुनिया में 25 इकोनॉमीज हैं जिसमें वियतनाम, बांग्लादेश ये सब शामिल हो जाते हैं। अगर उस ग्रुप में अगर हम देखें, तो उस ग्रुप में हम सबसे तेजी से नहीं ग्रो कर रहे हैं। उस ग्रुप में वियतनाम हमसे काफी आगे बढ़ा हुआ है, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है, और कुछ कंट्री सऊदी अरेबिया वगैरह, उनको दूसरे कारण से वो ग्रो करते हैं, उनके ऑयल उनके पास वगैरह काफी है, बट वो ग्रो तो हमसे आगे कर रहे हैं। हमें ये कंपैरिजन कि भाई हम यूएस और यूरोप या जापान के मुकाबले ज्यादा ग्रो कर रहे हैं इसलिए हम ग्रेट हैं, ये छोड़ देना चाहिए। आवाज ये इसलिए भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि आप अगर उनकी इकोनॉमी का साइज देखें तो कोई अगर इतना बड़ा है और उसके बाद उसमें छोटा सा ग्रो कर रहा है, हो सकता है इन एब्सोल्यूट टर्म्स वो आपसे ज्यादा ग्रो कर रहा हो, भले ही परसेंटेज टर्म्स में वो आपसे कम हो।
ये संकेत यूएस और चाइना के केस में ज्यादा एप्लीकेबल होता है, कि यूएस और चाइनीज इकोनॉमी हमसे बहुत आगे हैं। यूएस इकोनॉमी आज 23-24 ट्रिलियन डॉलर की है, चाइनीज इकोनॉमी करीब 18-19 ट्रिलियन डॉलर की है। हम अभी 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर पे बैठे हैं, 3.5 पे। तो अगर चाइना 4% भी ग्रो करता है, जो कि उसकी आज की ग्रोथ है 4-5%, तो 18 पे अगर 5% हो तो 900 बिलियन डॉलर उसका ऐड हो जाता है। हम 3.5 ट्रिलियन डॉलर पे अगर 10% पे भी ग्रो करें तो हम पे 350 बिलियन डॉलर ग्रो होगा। हमसे 3 गुना चाइना और बढ़ रहा होगा, 5% की ग्रोथ है बजाय हमारे 10% की। और चूंकि पॉपुलेशन अब उनकी हमसे कम होती जा रही है, तो अगर पर कैपिटा टर्म्स में देखें तो उनका जो एनुअल एडिशन है ग्रोथ में, वो आज भी ज्यादा हमारे ज्यादा है। तो बड़ी जो इकोनॉमीज हैं उनको, उनकी ग्रोथ 5% है या 4% है या हमसे 2-1% कम है, उस पे भी हमें खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दे एड मोर जीडीपी इवन करेक्ट विद स्मॉल ग्रोथ। और छोटी जो कंपैरेटिव इकोनॉमी है उन पे आप ग्रोथ रेट के हिसाब से कंपैरिजन कर लीजिए। जी बांग्लादेश क्यों आगे जा रहा है हमसे? सुभाष जी, दूसरी चीज जो आपने जिसका जिक्र किया था वो था गरीबी रेखा से निकाले हुए लोगों को एक पैमाना बना करके बताया जाता है कि देखो हम विकसित अर्थव्यवस्था हैं। अब मैं इस पर आपका तर्क जानना चाहता हूं कि इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गरीबी को नापने के दो तीन तरीके हुआ करते थे। एक तरीका तो ये होता था कि भाई आपकी कंजम्पशन पावर्टी कितनी है, मतलब ये दुनिया ने कभी 2400 कैलोरी अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको ये माना जा सकता है कि भाई आप गरीब नहीं है, थोड़ी सी बहुत और चीजें उसमें ऐड कर दीजिए, बट मुख्यतः कंजम्पशन पे, राइट। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, हाउस होल्ड इनकम के हिसाब से भी हम इसको इसको नापते थे। अब ये तो सरकार ने बंद कर दिया, अब हम कंजम्पशन के हिसाब से तो नहीं नाप रहे हैं, क्योंकि 2017-18 में एक सर्वे हुआ, लास्ट 5 ईयरली सर्वे, उसमें कुछ आंकड़े जो आए वो खराब लगे सरकार को, तो सरकार ने उसको बंद कर दिया। वो जो सर्वे था उसको ही डिस्क्रेडिट कर दिया कि भाई इसमें कमियां हैं, इसको दोबारा करेंगे, उसके बाद आज तक हुआ नहीं। अब दुनिया में एक नया तरीका आ गया है जिसको, जिससे हम पावर्टी नापते हैं, जिसको मल्टी डायमेंशनल पावर्टी कहते हैं। ये यूएनडीपी ने डेवलप किया, उनका लॉजिक ये है कि भाई इनकम को छोड़िए, कंजम्पशन को छोड़िए, ये देखिए कि आउटकम्स देखिए कि भाई आप मैलन्यूट्रिशन तो नहीं है, आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं या नहीं आते हैं, आपके हेल्थ स्टैंडर्ड वगैरह कैसे हैं, आपके इनकम के डायमेंशंस, आपके पास असेट है या नहीं है वगैरह वगैरह। इस तरह से उन्होंने कोई 10-12 आंकड़ों से, 10-12 पैरामीटर्स पे एक इंडेक्स डेवलप की। उस इंडेक्स के हिसाब से पहला सर्वे दुनिया में जो हुआ वो 2005-06 में हुआ, उसमें हमारे हिंदुस्तान का भी सर्वे उसमें हुआ। उसके हिसाब से उस समय देश में तकरीबन 39% पॉवर्टी थी 2005 में। फिर उन्होंने दूसरा सर्वे किया 2015 के आसपास, और तीसरा सर्वे किया 2021-22 के आसपास, ठीक है। ये हमारे यहाँ नीति आयोग भी उसी मेथोडोलॉजी को लेके करता है। नीति आयोग ने एक दो और पैरामीटर ऐड कर दिए, लेकिन बेसिक फिलॉसफी वही है। तो जी लुपे लुभाव अगर आप देखेंगे तो 2004-05 से 2015 तक 39% से, नहीं उस समय 54% थी, 54% से हम आए हैं 29%, और अब 29% से हम आ गए हैं 10-11%। तो अगर इस अकेले इसी आंकड़े से देखें तो पहले 10 साल थे बीजेपी गवर्नमेंट के से पहले 10 साल और बाद के 10 साल, दोनों में पावर्टी रिडक्शन जो है वो तकरीबन बराबर बराबर सा हुआ है इसमें, लेकिन पहले थोड़ा सा ज्यादा है। तो आंकड़ों के हिसाब से ये कहना कि इस पीरियड में बहुत ज्यादा पावर्टी रिड्यूस, 25 करोड़ अगर यहाँ कम हुए तो
तो 25 करोड़ से ज्यादा उस समय भी कम हुए, क्योंकि ये जो देश में और अभी भी हमारे पास 11-12% 15-20 करोड़ लोग जो हैं वो उसके हिसाब से अभी भी पुअर हैं। बाकी चाइना वगैरह में तो अब इतने इतने लोग पुअर नहीं रहे, बाकी दुनिया में और अफ्रीका को छोड़ के पॉवर्टी और भी कम हो गई। तो अगर दोनों दोनों दृष्टिकोण से देखें, पॉवर्टी कम हो रही है क्योंकि हमारी बेसिक जो नीड्स हैं वो हमारी सेटिस्फाई होती चली जा रही है। हमने प्रयास भी किया है, हिंदुस्तान ने 1991 के बाद भी काफी ग्रोथ अर्जित की है। हम 600-700 डॉलर आज 2,500-3,000 डॉलर पर कैपिटा पे आए हैं, और इस दौरान लोग हमारे यहाँ देश में खाद्यान्नों का उत्पादन, हम किसी जमाने में बहुत डेफिसिट हुआ करते थे, अमेरिका से शिप जो आता था उस पर लोग रहते थे। जब लाल बहादुर शास्त्री तो ये कहा करते थे कि भाई एक समय खाना खाइए ताकि सबको एक समय तो मिल जाए, वो जमाने से हम फूड में आत्मनिर्भर 1990 के आसपास ही होना शुरू हो गए थे। तो ये विकास का कार्यक्रम चला आ रहा है, ये कहना उचित नहीं होगा कि ये केवल एक स्पेसिफिक पीरियड में बहुत ज्यादा हो गया और अभी अब हम पूरी तरह से गरीबी से बाहर हो गए। हम अभी भी 80 करोड़ लोगों को क्यों गेहूं खिलाते हैं? सुभाष जी, अब मैं आपसे एक तो राज्यों के आर्थिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका ये कहना है कि केंद्र से हमें पैसा ही नहीं मिलता, केंद्र पर जहां हम निर्भर हैं आर्थिक मदद के लिए वो नहीं मिलता, मनरेगा का पैसा नहीं आता है, केंद्र जो है वो हमको हमारे हक का जो पैसा है जो बजट में हमें मिलना चाहिए वो नहीं देता, जीएसटी का पैसा नहीं देता, ये सारी चीजें आरोप अक्सर केंद्र सरकार पर लगते रहे हैं। तो राज्यों की आर्थिक व्यवस्था और उसकी स्थिति, मसलन ये जो कर्नाटक का मसला है जो आपने अभी हाल फिलहाल देखा, इसको लेकर के बड़ा तगड़ा एजिटेशन भी हुआ, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ हकीकत है और कुछ ड्रामा है, दोनों ही चीजें हैं। हम ये जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हैं, स्पेशली फिस्कल और फाइनेंशियल रिलेशंस जो हैं, उनको तीन एक्सिस पे देखते हैं, तीन मुख्य पॉइंट्स देखते हैं। एक तो टैक्सेस को लेके, क्योंकि हमारे देश की व्यवस्था ये है कि ज्यादातर जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है वो केंद्र सरकार के पास है, जैसे आपका इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन है, डायरेक्ट टैक्सेस तो लगभग सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये जीएसटी वगैरह दोनों के बीच में शेयर होती है। तो कुल मिलाकर टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा आते हैं, और जो एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आपको खेती में और गरीबी में, आपको इनमें इंडस्ट्री में, स्मॉल इंडस्ट्री में लेबर के लिए जो काम करना होता है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी ज़्यादातर राज्यों को दी हुई है। तो इसको हम ये रिसोर्स की जो एसिमेट्री है उसके लिए हमारे देश का कानून बना हुआ है, देश के संविधान में व्यवस्था की गई है कि भाई हर 5 साल में एक आयोग बनेगा, फाइनेंस कमीशन बनेगा, वो फाइनेंस कमीशन ये देख के दोनों के रिसोर्सेज की और एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की असेसमेंट करके ये तय करेगा भाई कितना हिस्सा सेंटर के जो टैक्सेस हैं उससे उसमें से स्टेट्स को दिया जाए, ये मुद्दा है। और व्यवस्था जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से चलने वाली व्यवस्था है। तो हर 5 साल में ये, इसके अलावा सरकार, भारत सरकार काफी डिस्क्रिशनरी, इसमें भारत सरकार का डिस्क्रिशन है, इसमें स्टेट्स का हक नहीं है कि कई सारे ग्रांट वाले प्रोग्राम चलाती है, जैसे आपने एमजी नरेगा की बात की, या ये एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं, या हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो भारत सरकार चलाती है और राज्य उनको एग्जीक्यूट करते हैं, आयुष्मान भारत, बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो देश में केंद्र सरकार चलाती है, वो डिस्क्रिशनरी है, उस केंद्र सरकार चाहे तो ना चलाए
और चाहे तो चलाए और किन अरेंजमेंट्स के बीच में चलाए, ये वो मुख्यतः तय करती है। और तीसरा एक एक्सिस होता है जिसमें कर्जा का, मैं आजकल कर्जा लेना भी एक मुख्य स्रोत है आपके रिसोर्सेज का। तो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था ये है कि भाई केंद्र भी कर्जा ले सकता है और राज्य भी कर्जा ले सकता है। एक पेच डाला हुआ है, वो पेच ये है कि अगर राज्यों की देनदारी ड्यू है भारत सरकार की तरफ से, तो वो कर्जा लेने से पहले भारत सरकार की अनुमति लेंगे और भारत सरकार उनको अनुमति दे तो ही वो कर्जा लेंगे। क्योंकि इसके पीछे व्यवस्था सोच ये था कि अगर केंद्र ने पैसे दिए हुए हैं आपको, तो आप इतना कर्जा ना ले लें कि भाई आप हमें हमारा ही कर्जा ना चुका पाए। इसलिए इसको प्रूडेंस के हिसाब से ये अधिकार दिया। तो जो कर्नाटक में मुद्दा उठा, वो मुद्दा उठा टैक्स के बारे में। बंगाल में जो मुद्दा उठा वो ग्रांट्स के बारे में। लोन्स के बारे में पहले मुद्दा उठा था जो ज्यादा आंध्र प्रदेश में इन लोगों ने उठाया था, लेकिन अभी उसके बारे में इतनी ज्यादा बातें नहीं हो रही है। तो जो टैक्स का मुद्दा है, उस टैक्स में कर्नाटक का ये कहना है कि भाई हमारा टैक्स का हिस्सा जो है बहुत कम हो गया, राइट। अब टैक्स का हिस्सा कम क्यों होता है? टैक्स भारत सरकार का जो टैक्स है उसको दो चरणों में हमें देखना चाहिए। एक चरण में तो ये है कि कुल मिला के स्टेट्स को, राज्यों को कितना हिस्सा मिले, और दूसरा उसके बाद राज्यों में कैसे बांटा जाए। तो जो कंप्लेंट जो वाजिब है मेरी नजर से, वो पहले पॉइंट पे तो है। क्या हुआ था कि जो 14वां फाइनेंस कमीशन था, वाईवी रेड्डी जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे, इन्होंने 2014 में ये रेकमेंड किया कि उससे पहले 32% जो सेंट्रल टैक्सेस हैं उसको, उसका 32% हिस्सा राज्यों को कुल मिला के मिलता था। उन्होंने कहा 42% दीजिए, ना एक साथ 10% उन्होंने बढ़ा दिया। उनके पीछे उनका ये लॉजिक था कि भाई आप अपनी ग्रांट्स कम कर देना, कुल मिला के मत ज्यादा देना, लेकिन जो टैक्सेस हैं, क्योंकि टैक्स का जो हिस्सा जाता है वो अनटाइड होता है, उस पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, उसके ऊपर आप कोई कंडीशंस नहीं लगा सकते, राइट। वो बिल्कुल अनकंडीशनल होता है और भारत सरकार के अकाउंट्स में से अपने आप ही उसका हर महीने हिस्सा राज्यों में चला जाता है बिना किसी परफॉर्मेंस या कंडीशन से लिंक किए। तो राज्यों के लिए ये सबसे बेहतर तरह का रिसोर्स है। तो जब 42% हो गया तो केंद्र ने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया, बट मेरे ख्याल से रिलक्टेंटली एक्सेप्ट किया। और थोड़े समय बाद एक गली है इसमें जिसके जरिए ये क्या जो 42% होता है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल ग्रॉस टैक्स रिसोर्सेज हैं उसमें से सेसेज और सरचार्जेस को हटा के जो बनता है उसका 42% दिया जाता है। तो सेसेज जैसे आपकी पेट्रोल पे और डीजल पे, ये रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगता है, या इनकम टैक्स पे आपकी हेल्थ सेस लगती है और कई सरचार्ज लगते हैं, राइट। तो अगर आप केंद्र सरकार में ये सेसेज और सरचार्जेस की संख्या बढ़ा दो तो आपको जो इफेक्टिवली जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है उसमें से जो हिस्सा देना पड़ता है वो कम हो जाए। तो केंद्र सरकार ने ये किया। 2014-15 से आज के दिन का अगर आप देखें तो एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल पे जो टैक्स आता है वो काफी बड़ा, 3.5 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ हर साल आता है भारत सरकार के पास, उसका सरकार ने घटा के इफेक्टिवली अब 5% से कम जाता है भारत सरकार से राज्यों के बीच में। बाकी सारा सेसेज और सरचार्जेस के रूप में भारत सरकार अपने पास रख लेती है। तो इफेक्टिवली जो तकरीबन 37% जाता था, 42% तो नहीं जाता था बाकी उस चीजों इनको हटाने के, तो 37% को पिछले 4-5 साल में घटा के 32% कर दिया। बिकॉज आपने तो उससे सभी स्टेट्स का नुकसान हो रहा है, लेकिन कर्नाटक का नुकसान अकेले का नहीं हो रहा है। कर्नाटक का नुकसान हो रहा है
15th फाइनेंस कमीशन ने उनकी करीब आई थिंक 4.6% 4.7% उनका हिस्सा हुआ करता था टोटल पूल में, उसको घटा के 3.6% कर दिया, 1.1% फाइनेंस कमीशन ने घटा दिया। अब प्रयास ये लगाया जा रहा है कि भाई चूंकि भारत सरकार ने ये 15 फाइनेंस कमीशन के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए थे उसमें ये कह दिया था कि भाई वो आपकी करंट पॉपुलेशन का को ध्यान में रखना पड़ेगा, उससे पहले सारे फाइनेंस कमीशन को ये कंडीशन दी हुई थी कि 1971 का जो पॉपुलेशन का शेयर है उसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो ये कयास कि भाई भारत सरकार ने ये चेंज कर दिया इसलिए कर्नाटक का हिस्सा कम हो गया, वो मुझे ठीक नहीं लगता है यार कर्नाटक का, क्योंकि तमिलनाडु भी उसी तरह से विकसित है, वहां पे भी पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ, केरल का भी पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ, लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन में केरल का भी शेयर कम नहीं हुआ है, तमिलनाडु का भी शेयर नहीं हुआ है, कम हुआ है, कर्नाटक का क्यों कम हुआ है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। कर्नाटक सरकार को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भाई उनका शेयर ही क्यों कम हुआ, राइट, तब जाके वो आपका क्या सुभाष जी मानना है, आपको लगता है ये बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है कर्नाटक के संदर्भ में? ऑफ कोर्स ये रिडक्शन तो बड़ा ड्रास्टिक है, बिल्कुल ड्रास्टिक है, अगर आपका तकरीबन 20% 22% 25% शेयर कम हो जाए एक साल में तो आपके ऊपर पांचों सालों में आपका ये असर पड़ेगा, बट उसके लिए आप केंद्र सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते कि केंद्र सरकार ने कम कर दिया। केंद्र सरकार अगर कम करती या पॉपुलेशन वाले फार्मूले का असर होता तो फिर तमिलनाडु का भी कम होना चाहिए था, केरल का भी कम होना चाहिए, उनका क्यों नहीं होता? सो इसको इसकी गहराई में जाना चाहिए, आंकड़ों की गलती हो गई या कोई और बात थी किसी तरह का, बट इसके लिए ब्लेम करना सेंट्रल गवर्नमेंट वो मेरी नजर में ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। हाँ सॉरी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था अगर दूसरा जो ये बात आती है कि भाई एमजी नरेगा का पैसा रोक दिया, इसमें जरूर कुछ सच नजर आता है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो स्कीम्स हैं वो सब राज्यों में इंप्लीमेंट होती हैं। अब स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कुछ कमी रह जाती होगी, दूसरा एक पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है केंद्र सरकार की कि भाई ये स्कीम का नाम वही रखिए जो हम हैं, राज्यों में भी आप इसको नाम भी नहीं बदल सकते, आप कुछ और भी नहीं कर सकते, तो उससे ये पॉलिटिकल जो कॉन्फ्रंटेशन शुरू होता है कि कौन क्रेडिट ले उस स्कीम का, उसमें राज्य कुछ तो स्कीम इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, जैसे अब ये आयुष्मान भारत है उसको 2-3 स्टेट्स इम्प्लीमेंट नहीं करते, कोई ये जो क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम है वो 6-7 स्टेट्स नहीं इम्प्लीमेंट करते, और कुछ उसके कि नहीं हम तो अपने हिसाब से करेंगे, आपके सारे नॉर्म्स पूरे करेंगे लेकिन नाम हम नहीं बदलेंगे, राइट। तो उसके का जब ऐसा होता है और केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज भेज के उसकी जांच करने लग जाए तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां निकल जाएगी, तो फिर उनका आप पैसा रोक दीजिए, तो ये इट इज मोर लाइक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन, कौन क्रेडिट ले कौन नहीं ले, ये इशू तभी सॉल्व हो सकता है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस मोर न्यूट्रल हो, ये नहीं हो कि भाई सारी क्रेडिट हमें मिलनी चाहिए दूसरे को। यही है, जहां अर्थव्यवस्था खत्म होती है वहां राजनीति शुरू होती है सुभाष चंद्र गर्ग जी, और ये दोनों दिक्कत ये है कि आपस में लिप्त हैं और उसका खामियाजा कभी कभार क्या बहुत हद तक जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन सुभाष जी आपने बहुत इलेबोरेट तरीके से बहुत ही विस्तार से हमको समझाया कि किस तरीके से ये कहना कि बहुत जबरदस्त अर्थव्यवस्था चल रही है ये शायद सही और सटीक विश्लेषण नहीं होगा, आपने बहुत डिटेल में समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच द रेड माइक को समय देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया संकेत, ऑल द बेस्ट टू यू, बाय बाय।